Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. So guys, MC Stan की कुछ रावसी क्लिप्स हम लेके आए हैं. जैसे कि आप सभी को पता है कि कल भाई बिग बॉस का फिनाले है और भाई बड़ी ज्यादा टेंशन है. मैं मतलब ना मेरे से जागा नहीं जाता. मेरे को टेंशन सबसे ज्यादा ये है कि मैं रात को 12:30 बजे तक जागूंगा कैसे. भाई मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क तो ये है. तूने देखती है ना फोन में, इसको ये होता है कि मैं नेक्स्ट डे देखूंगी, पूरा का पूरा एपिसोड देखूंगी वोट पे. ये घर पे नहीं देर तक जाग नहीं सकती ना, तो फिर उस वजह से. तो बाकी भाई मेरे को है कि मैं कैसे जागूंगा 12:30 तक. मेरे को यही टेंशन है क्योंकि मेरे को नींद आई थी 9 बजे भाई. और जब लास्ट लास्ट था ना, लास्ट मैं देखा था तब मैं 9 बजे सो रहा था. मेरे को मतलब जब आपके दिमाग में कोई चीज़ स्ट्राइक हो हमेशा आपको नींद नहीं आएगी ना, 5-10 मिनट के बाद आपको जागती रहेगी. भाई लास्ट फिनाले होना था, मेरी आंख लग रही थी और मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही थी. फिर मैं आंखें खोल रहा था, देख रहा था टाइम सिर्फ 5 मिनट हुआ अभी ज़्यादा. ऐसे कर करके भाई कहाँ जाके 12:30 बजे रिजल्ट आया था. बस यही है. तो फिलहाल वेट रहेगी भाई एमसी स्टैन के जीतने की, कि एमसी स्टैन जीत जाए भाई वोटिंग पे. स्टैन को नहीं यार, प्रियंका को जाएंगे पक्का 100% कन्फर्म. यार मेरे को यार एमसी स्टैन का अब लग तो रहा है एमसी स्टैन ही भाई पूरे तरीके से विनर. तो एमसी स्टैन ही हमारे लिए, तो एमसी स्टैन ही विनर है भाई और दुनिया के लिए भी. कि भाई अब पता नहीं क्या करते हैं. अब वोट तो मेरे ख्याल से एमसी स्टैन के पोस्टर हर एक जगह सारी जगह छपे हुए हैं. मतलब अगर वोटिंग के उससे देखें तो आई थिंक एमसी स्टैन तो है ही है विनर, तो वो तो कोई शक नहीं है. बट अब कलर्स वालों ने अपनी करनी है, आप सभी को पता. तो फिलहाल हम क्लिप्स देखते हैं एमसी स्टैन की कुछ लेटेस्ट और करते हैं एंजॉय. और बाकी आपके लिए कल बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, पूरी जर्नी एमसी स्टैन की जो भी है और सारे के सारे बेस्ट मोमेंट्स की क्लिप्स कुछ ना कुछ बढ़िया बना के लेके आऊंगा. तो वो भी देखना आप साथ साथ में. तो बाकी इसको प्ले करते हैं. What do you want in 2023? What do you want? The winner of the Big Boss is MC Stan. मजा आएगा यार, मजा आएगा यार. गर्लफ्रेंड और MC Stan. ओ भाई कंफ्यूज हो गया, कह रहा क्या आंसर दूं मैं. MC Stan. MC Stan का सोशल मीडिया प्रेजेंस देखो बहुत कम है. वो ट्वीट नहीं करता, पोस्ट नहीं डालता, कुछ नहीं करता. क्योंकि गाना आता है तो उसकी स्टोरीज आता है, दैट्स इट. तो मेरे मन में MC Stan की जो इमेज थी वो बहुत ज्यादा रेबेल यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट की थी. लेकिन मैंने जितना ज्यादा MC Stan को देखा मुझे लगा कि भाई यार अपनी एज में कितना ज्यादा मैच्योर है. उसकी जितनी भी फाइट्स हुई हैं विद शिव, शालीन, अर्चना, ही वाज द फर्स्ट गाय जिसने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा एंड बहुत ज्यादा मैच्योरली बिहेव करा. तो भाई एक चीज तो है कि बाकी कोई बदलाव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जिन लोगों ने बिग बॉस को क्लोजली फॉलो करा है उनके मन में MC Stan के लिए एक पॉजिटिव इमेज तो क्रिएट हुई ही हुई है. किसने सोचा था कि ऐसा कुछ हो पाए. एंड यू सी पीपल कैचिंग ऑन टू हिज म्यूजिक एंड एवरीथिंग, इट इज फैंटास्टिक. मतलब मोर पावर टू हिम. यू कैन सी दैट पर्सन इज नॉट स्विचिंग कैरेक्टर. माइक के सामने बहुत लोग अलग है और इन पर्सन बहुत लोग अलग है. Stan doesn't have that bro. वो एनर्जी से कनेक्ट कर रहे लोग, समझ रहा है. which is crazy. Best wishes है MC Stan को. He gonna be the Lil Wayne of India. Correct. जैसी उसकी लुक है और जैसा उसका स्टाइल है, मुझे बहुत Lil Wayne जैसी वाइब आती है. और मैं हिप हॉप मतलब मैंने बिग बॉस ज़्यादा देखा नहीं है तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है बिग बॉस के अंदर. लेकिन आई एम गिविंग हिम बेस्ट विशेस कि वो बिग बॉस वो कर रहा है दुनिया पे राज और बाहर आके बहुत सारी एल्बम्स करे और बहुत कामयाब हो. मेरे साथ कोलैबोरेशन करे ऑन गॉड बोलता आज राडे कंफर्म राडे बिग बॉस. एक दिन प्यार फिर दूसरे दिन तुम हेट करते, दूसरे दिन पे वार, फिर चौथे दिन तुम वेट करते, पांचवे दिन तुम चेस करते, मेरा नाम पे तुम पेड़ भर के खाओ. सब लोग यहाँ पे पेड़ भर के फिर मैं को काई को हेट करते हेट करते भाई पूरा एंजॉय कर रहा है ना. हेट करते हेट करते हेट करते हेट करते हेट करते फूटिया से तेरे बाप का घर है क्या? वापिस से बोल रहा तेरे बाप का घर नहीं है. अरे बिग बॉस का घर है. अरे सीमेंट का घर है. वर्ड्स पे मत खेल. चल मेरे को मत बता किधर जाने का. फूट एंड सूट रे रे ना रे जरूर उठा
मत कर ऐसे खा ले यार। खाने पे नहीं निकलता। ये अम्मी होती है जल्दी आ इधर रिटर्न कर। हो गया ना तेरा गुस्सा निकल। चल लास्ट टाइम प्लीज बैठ बैठ जा। तू खाएगा तो मैं भी खा लूंगा यार। बहुत देर हो गई यार हमसे सोते। आ जल्दी यार तुझे बुबा कर सो। थैंक यू। करेगा मैं जाके प्लेट लूंगा। दिस इज यू नो व्हाट व्हाट यू टू उस बस्ती में तेरे पास टॉयलेट था, नहाने की जगह थी तेरे पास, कपड़ा था, एजुकेशन हुई है तेरी? हुई एजुकेशन? नहीं सर। वहाँ की भाषा क्या? सर गली बस्ती सर झोपड़पट्टी वैसी जैसे। स्टैन तू सही था इस झगड़े में या गलत था तू खुद बता। सर वो जो करा मैंने वो गलत था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर वो जो बात करा गंदी बात करा मैंने, तो सर वो मेरे को रियलाइज भी हो गया, रिग्रेट अभी तक हो रहा सर। देखो अर्चना ये कोई ईगो पे नहीं लेता है, गलती हो गई गलती हो गई। अब जिसने गलती मान ली है मैं उसको क्या बोलूं? मैं यहां पर मुद्दा बनाऊं? करेक्ट यार। जितना मेहनत करोगे, जितना इंटरेस्ट दिखाओगे, जितने दोस्त बनाओगे, जितना सही चलोगे, भाषा ठीक करोगे, आप उतने ही आगे जाओगे। अरे मैं कुछ पूछ रहा था आपसे। बैठ जा बैठ जा। बोले ना बिग बॉस। बोले ना बिग बॉस। कब गई? उसी कुर्सी पे बैठ जाइए जहाँ बैठे थे। किस किस को लगता है कि ये सपना इसका पूरा होने वाला है स्टैन जी का? अगर सपना है तो किसी का भी पूरा हो सकता है। होगा। मेरे को क्या लगता है भाई, मालूम क्या, ये मेरा भाई जीतना मांगे, मेरे को लगता है। आगे बढ़ते हैं। खड़े हो जा, सब तालियां बजाएंगे। बहुत लोग कदर करते और उनसे उनकी कदर और उनकी कदर से मेरे को कदर मालूम पड़ी बिग बॉस के। नहीं क्या कि क्या सीन है, क्या नहीं नहीं क्या सपने बहुत लोग के बिग बॉस में आने के और बहुत कुछ चीज है ऐसी, तो मेरे को मालूम पड़ा और मैं बहुत शुक्र नवाज है और गुजार भी है भाई ने क्या ऊपर वाले मेरे को भेजा नहीं क्या मेरे रास्ते में, ये भी था एक चीज जिधर मैं आया यहाँ पे, तो शुक्रिया। और जितने लोग ने प्यार दिया उनको वापिस से प्यार। और जो भी मेरे भाई लोग दोस्ती मेरी बनी नहीं क्या। अभी तू जीत गए, भाई लोग नहीं है। मेरा छोटा नन्ना बेटा है, पक्का स्टैंड पे रुकते जा बेटा। मैं तेरे को एक एक स्टैंड ही बोलती इसे ना पहले गायचे गोष्टी करते तो जाने की बात ना, ऐसा मत कर तेरा मन नहीं लगने का। अभी 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 मजा आ रही ना, मंजिल अभी नजदीक है, रास्ता भारी है, कांटे आएंगे, कांटे से छलांग मारना तुम्हारा काम है ना, छलांग मारते रहो मारते रहो मारते रहो। इसने बहुत समझा, इसने बहुत ख्याल रखा। मम्मी आई आ गया मिली आमंडली से अलग नहीं खेल रहे, अलग अकेला थोड़ी खेल रहे। अरे इधर अलग अकेला नहीं रह सकता काकू, हो जाता अकेले। एक नई सी बातचीत, नई सी शक्ल, एक नई सी अदा दिखाई देती है। एमसी स्टैन क्या सीखा आपने इस घर में इतने हफ्ते? सर बहुत बहुत सारी चीजें सीखने मिली ऐसे ने मैं, लाइक मैं अभी शायद से 22 है तो है क्या, तो पहली बात तो ना बोलने का चीज मेरे को सीखने मिली बहुत अच्छी। और किस पे भरोसा करूँ किस पे नहीं करूँ और मतलब डिसीजन नहीं क्या खुद लू मैं ऐसा, ये सब चीजें बहुत सा एक्सपीरियंस। ये भरोसे वाली बात आपकी सही है। आपको क्या लगता है कि आपसे जो दोस्ती घर में लोग कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत है, लोग सोच रहे हैं कि इससे दोस्ती करोगे तो हो सकता है हमें भी कुछ परसेंट फायदा हो जाए, क्या ऐसा है? हाँ सर ये फैक्ट है। लाइक कौन है ऐसे लोग, नाम बताओ। अब्दुल पे जाए मैं, मतलब मैं भी रोयला ये लड़की के वजह से बहुत कुछ। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं एंडिंग तक फाइनल बीनल गले बिले मैंने मिलना ला लड़की को। मैं तो अरे शेमड़ी तू रहती भी नहीं थी ना,
सर है तो तेरे को जान दे। एक बात बोलना, तू साजिश सर को जानती, तेरे को कौन जानता है इधर? मेरे को नहीं जानता, मैंने बोला मेरे को जानते हैं। क्या इसे पादरे बात मत कर। जब चालू है पापा का पेंशन तो काई का टेंशन। जरा घट साइड को। अभी उसने क्या बोली थी उस दिन? बोले उसकी मॉम को, शालिन की मॉम को, बोले तुम तो अंग्रेज लोग कैसा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। तो मैं भी उधर बोल सकता, अरे मतलब क्या तुम्हारा मतलब है कि अंग्रेज लोग ही ब्यूटीफुल दिखते, अपने इंडियन लोग नहीं दिखते? मैं क्या, ये क्या, मैं भी बोल सकता ना, मैं भी गलत पोर्ट्रे कर सकता है। अरे झगड़े तो मैं भी कुछ भी क्या करेगा। ये चेयर किसने रखेला बोलो जरा, कौन किसने रखा है चेयर इधर? अपना गार्डन है, समझता क्या इधर? मेरे को लग गया, क्या हो गया ये, करू क्या झगड़े? अरे क्या है, दिखने के लिए इतना गिरेंगे क्या यार? ओए होए होए, क्या बात है सर। मैं शालिन को घर के बाहर भेजना चाहता, टाइम हो गया भाई का घर पे जाने का, बस हो गया भाई, नहीं क्या मेरे को ऐसा लगता। और जिम विम घर पे मारने वाली बात है, भेजने का है भाई, चल गया। तो गाइस ये थी वीडियो और अमेजिंग सी कुछ फनी फैक्ट्स थे और मजा आ गया। जीत जाए यार एमसी स्टैन। यार मैं तो मेरे यार अब ना मतलब टेंशन पड़ गया, रिकॉर्ड बनेगा फर्स्ट टाइम का बंदा दूसरा विनर बनेगा। फर्स्ट पहले पता क्या था, पहले ना मतलब कि एक कॉन्फिडेंस हो गया था कि पहले ये चीज श्योरिटी लग रही थी कि एमसी स्टैन जीतेगा, तो मतलब दिमाग में ये चीज बैठ गई थी। और अब ना ये चीज का कॉन्फिडेंस हो गया कि प्रियंका ही जिताएंगे, वो प्रियंका को जिताएंगे। अब भाई अगर एमसी स्टैन जीतता है उस टाइम जो खुशी होगी ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल वाली होने वाली है। तो बस यही है, कर करके शो बंद कराना चाहिए फिर अगर एमसी नहीं जीता तो। शो बंद कराना चाहिए? शो नहीं हो सकता बंद यार, ये लोग फिर लोग थोड़े दिन ही बोलेंगे, ज़्यादा दिन थोड़ी बोलेंगे ना, कितने दिन बोलेंगे लोग, थोड़े दिन ही, फिर वो खुद सोच देंगे कि यार क्या ही है शो, मतलब लोगों के मन से फिर विश्वास उठ जाएगा ना शो रिलेटेड। तो कुछ ना कुछ करेगा भाई बिग बॉस, मेरे ख्याल से तो कुछ अमेजिंग चीज़ वो दिमाग लगा रहा है, या उसको एमसी स्टैन को सेकंड करना ही पड़ेगा हर हालत में। सेकंड तो वो ऑब्वियसली बात होगा, शिव को भी कर सकते हैं, सभी को पता की एमसी स्टैन आगे चल रहा है भाई, है ना हर एक जगह। तो फिर पता नहीं क्या यार, है ना, कि क्या ही बोल सकते हैं क्या होगा। तो बस यही है कि भाई आप वोट्स करते रहो अपनी तरफ से, हम तो पूरा एफर्ट कर रहे हैं ना, आप भी अपना पूरा एफर्ट करो कि वोट्स करते रहो जितना हो सके, वीडियोस को शेयर करो, ये वाली वीडियोस को लास्ट तक देखो जो भी रिएक्शन है, कि सारी जगह भाई एमसी स्टैन दिखे। और सिर्फ एक दिन है, वोटिंग धराधर चालू रखो अपनी, सो दैट हम तो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं ना, बाकी अगर होता नहीं होता आज रात को होगी तो हाँ, तो वीडियो तो हम पहले डाल देंगे वोटिंग से, तो बाकी देखते हैं फिलहाल क्या होता है, जितना हो सकता है भाई करते रहो वोटिंग। सो बाकी तो इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।